सफर कर रहे शिवराज सिंह चौहान के कोच में शिवराज के सामने हाथ जोड़कर ये लड़की को खड़े हो गए। शुरुआत में मैंने आपको दरअसल एक वीडियो दिखाया, वीडियो में जो आपको नजर आया उससे बहुत कुछ साफ हुआ। दरअसल शताब्दी एक्सप्रेस से शिवराज पहुंचे थे भोपाल, और कृषि मंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा थी, मध्य प्रदेश प्रवास था पहली बार, तो वो ट्रेन में सफर करते हुए दिखे और शताब्दी एक्सप्रेस से निकले। और शिवराज ट्रेन के अंदर बड़े सहज नजर आए, यात्री जो भी मिला उससे बात भी की, संवाद भी किया। तो ऐसे ही ये लड़की भी जो शिवराज सिंह चौहान के सामने, शुरुआत में मैंने आपको वीडियो दिखाया, खड़ी हो गई और शिवराज सिंह चौहान से कहने लगी हाथ जोड़ करके, मेरा एक काम कर दीजिए। क्या? फिर से वो वीडियो देखिए आप। तो दरअसल ये लड़की भी उसी ट्रेन में सफर कर रही थी और उसकी बड़ी इच्छा थी, दिली ख्वाहिश थी कि प्रधानमंत्री मोदी तक उसके नाम को पहुंचा दिया जाए और नमस्कार पहुंचा दी जाए। इस वीडियो को शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया कि बिटिया का इतना प्रेम है पीएम के प्रति और मैं नमस्कार पहुंचाने की बात कही तो मैं नमस्कार पहुंचा दूंगा। तो ये बात थी, लेकिन हाँ, उस लड़की जो थी उसके मन में था कि पीएम मोदी तक शिवराज उसका संदेश जरूर पहुंचा देंगे, नमस्कार पहुंचा देंगे। यही वजह है कि ट्रेन के अंदर शिवराज सिंह के सामने खड़ी हो गई और अपनी बात रख दी। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक जिस कोच में शिवराज यात्रा कर रहे थे उस कोच में यात्रियों के बीच वो अधिकांश समय घुलते मिलते नजर आए। बीच बीच में उनका स्वागत भी हुआ जो भी स्टेशन पड़े, लेकिन कोई यात्री अगर उनके पास आया तो शिवराज बड़ी सहजता और सादगी के साथ उनसे मिलते हुए नजर आए। यही वजह है, चाहते तो शिवराज विमान से भी जा सकते थे लेकिन वो ट्रेन से गए और ट्रेन के अंदर उनका वही अंदाज दिखा जिसकी वजह से उनकी पहचान है या मजबूती है, यानी जमीनी अंदाज। यही कारण था कि जो भी यात्री मिल रहे थे शिवराज सिंह चौहान से, भले उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, बात भी कर रहे थे, कई यात्रियों ने स्वागत भी कर दिया। तो इस बीच ये लड़की भी आई जिसने अपनी ख्वाहिश शिवराज सिंह चौहान के सामने रख दी और कह दिया कि मेरा नमस्कार मोदी जी तक पहुंचा दीजिएगा। तो ऐसे ही कई तस्वीरें थी रेल के अंदर जब शिवराज सफर कर रहे थे, जहां जब भी मौका मिला और किसी भी यात्री की भी अगर इच्छा हुई तो अभिवादन भी हो गया, बातचीत भी हो गई और लोगों ने अपनी बात भी रख दी शिवराज के सामने। शिवराज का यही जमीनी अंदाज लोगों को भाता है जो उन्हें अलग बनाता है। तो एक बार फिर शिवराज मंत्री बनने के बाद रेल में सफर करते वक्त जिस तरीके से नजर आए अंदाज में, उसकी भी चर्चा हो रही है, आप देख रहे हैं अभी तक।